तो भाई कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हलाल के बारे में, क्योंकि दोस्तों विदेशों में क्या है, एक एजेंडा उठा हुआ है जिसका नाम तो है हलाल, बट ऐसी कंडीशन में उसके जरिए एक जिहाद को इजाद किया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है नॉन मुस्लिम लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं का नाम है, नहीं भाई, जो भी नॉन मुस्लिम है उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये हार्मफुल है। और हमारे हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर और संविधान के अकॉर्डिंग अगर इसे देखा जाए तो ये चीज बहुत ही गलत है। तो बात करते हैं कि हलाल होता क्या है। तो नॉर्मली सी बात है दोस्तों, हम लोग पहले जब भी चिकन मटन में ये सारी चीजें देखते थे, जहां पे भी हलाल लिखा होता था हम लोग समझ जाते थे कि ये मुस्लिम बंदे की दुकान है और यहाँ पे हलाल वाले तरीके से पक्षियों को चिकन में और पशुओं को मटन में तब्दील कर दिया जाता है। तो भाई अब ऐसी जगहों पे होता क्या था, मुस्लिम लोग बड़ी आसानी से उस चीज को परचेज कर लेते थे क्योंकि भाई ये सारी चीजें उनका अधिकार है। और हिंदुओं की बात करें तो भाई हिंदुओं में चलता था झटका। तो अब ऐसी कंडीशन में जो हिंदू थे वो लोग झटका लिखते थे और भाई चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो वो उसको चिकन और मटन में कन्वर्ट करने में झटके का यूज करते थे। तो अब ऐसी कंडीशन में हिंदू लोग भी बड़ी आसानी से इस चीज को पहचान लेते थे। बट दोस्तों अगर मान लो कोई नॉन मुस्लिम है और वो ऐसी जगह पे फंस जाता है जिसको भाई हलाल चीज नहीं यूज करनी, तो बंदा करेगा क्या भाई, मटन खाना छोड़ सकता है। बट भाई और इसके अलावा क्या क्या छोड़ सकता है वो बंदा, क्या आप लोग गेहूं चावल दाल आटा पानी ये सारी चीजें बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर इन चीजों को आप लोग बंद करोगे तो आप लोगों के जीने के चांसेस है ही नहीं। तो अब नॉर्मली सी चीज ये है कि जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है इसी के अकॉर्डिंग हुआ क्या है कि पहले हलाल सिर्फ चिकन मटन में यूज होता था और अब रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें आती हैं उन चीजों में भी ये चीज यूज होने लगी, जैसे कि भाई गेहूं चावल आटा दाल बिस्कुट चिप्स वगैरह इन सारी चीजों पे आप लोगों को एक लोगो मिल जाएगा जो कि हलाल सर्टिफाइड होता है। अब भाई साहब आप लोग ये कहोगे कि भाई इस सर्टिफिकेशन से तुझे क्या दिक्कत होगी? तो भाई मुझे एक्चुअल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इस चीज को अगर आप लोग डीपली समझोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि मेरा कहने का मोटिव क्या है। तो भाई पहली चीज तो ये है कि अगर किसी को भी हलाल का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है तो इसकी काफी सारे रूल रेगुलेशन और काफी सारी शर्तें, उन चीजों को पूरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें पहली शर्त क्या है कि अगर जैसे कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता हूँ, हिंदू हो सकता हूँ, सिख हो सकता हूँ, ईसाई हो सकता हूँ, जैनी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, अगर मैं अपना नाम डालता हूँ, अपनी कंपनी का डिस्क्रिप्शन सारी चीजें डाल करके हलाल के लिए अप्लाई करता हूँ, तो जैसे ही वहां पे जो भी सर्टिफिकेशन देते हैं वो लोग इस फॉर्म को पढ़ेंगे तो वो लोग फाड़ के सीधा इसे कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। तो उन लोगों की पहली शर्त क्या है कि जो भी बंदा होगा कंपनी में वो सिर्फ मालिक होगा, उसके नीचे का जो मैनेजर होगा या सीईओ होगा या फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा या फिर जो एचआर होगा या फिर जो लेबर वगैरह काम कर रहे होंगे, यानी ऊपर से लेके नीचे डिस्ट्रीब्यूटिंग तक सभी में सिर्फ मुस्लिम ही काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा उसमें और किसी कम्युनिटी से है, नॉन मुस्लिम है, तो भाई साहब उस संस्था को या फिर उस कंपनी को हलाल का सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकता और ना ही वो हलाल का लोगो यूज कर सकता है। तो भाई ये कहोगे आप लोग कि इस चीज से भी क्या दिक्कत है, चलो भाई ठीक है, कोई समाज अगर अपने समाज को उठा रहा है, अपने समाज के लोगों को काम दे रहा है और अपने समाज को ग्रो करने में मदद कर रहा है तो भाई ये बहुत बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं। बट नेक्स्ट दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। अब इन लोगों का जो पैसा होता है वो भाई साहब जाता है सबब के लिए या फिर मदद के लिए या फिर अपने धार्मिक कार्यों में डोनेशन के लिए, इसका 10-20% हिस्सा जो प्रॉफिट का होता है वो चला जाता है इन सारी चीजों में। अब तुम लोग यहाँ पे फिर उंगली उठाने वाले हो कि भाई इससे भी क्या दिक्कत है, जा रहा है तो अच्छी बात है, कोई अगर अपने इस्लाम में कोई नेकी कर रहा है, कोई किसी की मदद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तुझे क्या दिक्कत है? तो भाई मुझे यहाँ पे ये दिक्कत है कि FBI और CIA की अगर माने तो इन लोगों का जो 10-20% प्रॉफिटेबल हिस्सा होता है जो जाता है वो जाता है ISI को, और ISI आप लोगों को पता है किस तरीके की संस्था है जो कि किस तरीके के विस्फोट कराती है या फिर कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देती है या फिर जिहाद के नाम पे किस तरीके से वो आतंक फैलाती रहती है। तो इस तरीके की संस्था को इनका पैसा जाता है, और अगर आप लोग नॉन मुस्लिम बंदे हो
और अगर आप लोग हलाल के प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप लोगों की जेब से इनकी जेब में पैसा बड़ी आसानी से चला जाएगा। मगर आप लोग अगर वापस की सोचोगे यहाँ पे से मैं कुछ पैसा कमा लूँ या फिर यहाँ से मुझे कुछ रिटर्न्स मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हलाल सिर्फ अब प्रोडक्ट्स नहीं रहे, हलाल आप लोगों को एक्सचेंज वगैरह में देखने को मिल जाएगा, हलाल बैंकिंग देखने को मिल जाएगी, हलाल होटल्स देखने को मिल जाएंगे, हलाल प्रॉपर्टीज वगैरह देखने को मिल जाएगी, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में, ये सारी चीज़ अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, यानी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर फैलता चला जा रहा है। और इसकी आड़ में एक एजेंडा है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक जिहाद, उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग इन चीज़ों को खरीदते हो या फिर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स अगर आप लोग खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का पैसा ISI की जेब में जा रहा है। और ISI का काम आप लोगों को पता ही है, आप ही का पैसा आप ही के साथ, सीधी साधी कहावत, तुम्हारा जूता तुम्हारे ही साथ। तो भाई साहब ये हो रहा है, तो अब आप लोग इसके लिए कर क्या सकते हो? तो सीधी और सिंपल सी बात, प्रोडक्ट चाहे आप लोग कोई भी लो, तो पहली चीज उसे अच्छे से देख लो। अगर उस पर कहीं पे भी हलाल का सर्टिफिकेशन या फिर लोगो, जो के लोगो होता है ये, अगर आप लोगों को ये लोगो देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को पूरी तरीके से इस प्रोडक्ट को बाइकॉट कर देना है। और दोस्तों काफी केसेस में ये भी हो रहा है कि प्रोडक्ट तो होता है हलाल सर्टिफाइड होता है, बट उस पर लोगो नहीं लगाया जाता। तो आप लोग अगर चाहो तो इसके बारे में ट्विटर हो गए, सोशल मीडिया हो गए, कहीं पे भी इस चीज के बारे में आवाज उठा सकते हो कि जो भी हलाल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजों को, यानी शो किया जाए हर एक प्रोडक्ट पे जो कि इससे सर्टिफाइड होते हैं, या फिर जिन पे इसका लोगो लगना चाहिए वहां पे इन चीजों को छुपाया जाता है, क्योंकि काफी सारी ट्रिक नॉन मुस्लिम लोगों के खिलाफ चलाई जा रही है और जो कि पूरे देश में फैल रही है। तो ऐसी कंडीशन में नुकसान किसका है? नॉन मुस्लिम लोगों का। मैं यहाँ पे किसी भी हिंदुनिज्म या मुस्लिमवाद को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा, ना ही किसी ऐसी चीज को टारगेट कर रहा हूँ। मेरी सीधी सी बात है कि भाई जो ये लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं इकोनॉमिक जिहाद का, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो हम लोगों का पैसा आतंकवाद के रूप में हम लोगों को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को पूरी तरीके से बायकॉट इन प्रोडक्टों का करना है, जैसे कि आप लोगों ने बायकॉट चाइना किया था, उसी तरीके से आप लोगों को ये सारी चीजें भी करनी है। और दूसरी चीज, आप लोग दुकानदार जो भी ऐसे प्रोडक्टों को रखेगा उसे भी अवेयर करवा सकते हो, अगर वो मुस्लिम है तो उसे भी बता सकते हो कि भाई अगर तुझे मुस्लिमों के लिए रखना है तो ठीक है, बट नॉन मुस्लिम लोग, हम लोग इस चीज को नहीं प्रमोट करेंगे, ना ही इसे खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इन चीजों का यूज करते हैं तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं जिहादियों के पास में जाता है, और फिर ऐसी कंडीशन में हम लोगों को पुलवामा जैसे अटैक देखने को मिलते हैं। और मैं जानता हूं अगर आप लोग सच्चे हिंदुस्तानी हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि हमारे देश पे रत्ती भर भी किसी भी आ जाए। तो दोस्तों यही सब था आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत। We'll go on.